मेरे अजीज़ टेक्नीशियन भाइयों, ये फ्रीज़र है और ये हमारी बूट एंड टॉर्च है जो अलग से मिल जाती है फ्लेम्बल, और ये लग भी जाती है। तो ये हमने आज ही परचेज़ की है। और ये हमारी ये ब्रेजिंग रॉड है, ये वाली। अब देखो, इस पर हम ताका लगाएंगे बिना फ्लैक्स के और ब्रेजिंग करेंगे इस पर अलग अलग करके। अब ये देखना आप हमें, जब हम जिस टाइम इस पर ब्रेजिंग करेंगे, ब्रेजिंग कितनी टॉप पर कितनी प्यारी होगी इस पर। ये हमने ब्रेजिंग कोरियर ज़रिए बनी वो करिए, और ये हम टॉर्च जलाने जा रहे हैं। ये हमारी फ्लेम जल गई, ये हमारा ब्रेजिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसे लगाएंगे। बहुत लो टेम्परेचर पे लगती है। एक, दो, तीन, चार, और ये हमारा पांच। अब आप टाँके देख लीजिए इसके। ये हमारी वेल्डिंग रॉड है और इस पर ये ब्रेजिंग है। ये देखो, बिल्कुल एकदम मस्त टाँके लगे हैं, मानो के जैसे जेन्युइन हो। अगर इस पर हम यहीं पॉलिश मार दें ना, तो यहीं के यहीं पॉलिश मारने के बाद ये ऐप भी इसका ढक जाएगा। जो कस्टमर लोग फ्रीज़र हमारा फोड़ देते हैं, वो फ्रीज़र फोड़ने के बाद कम से कम 3500 से 4000 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन ये इस तरह की ब्रेजिंग कोई नहीं कर पाता। सभी कर लेते हैं वैसे, लेकिन अक्सर कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये ब्रेजिंग हमने इससे करी है, और करी हमने इससे है बूट एंड टॉर्च से। ये लाइटर समीत है। तो अब देखो इसकी ब्रेजिंग, देखो कितनी क्लियरिटी के साथ एकदम जेन्युइन तरीके से है ये। और बहुत हल्की टेम्परेचर लो पे लगती है, कोई खुदड़ापन नहीं है, कोई गूबड़ापन नहीं है, किस एकदम फिनिशिंग के साथ साथ है, एकदम चिकनी चिकनी शाइनिंग दार, जो पता भी नहीं चल रहा इसमें। तो ये ब्रेजिंग अगर आप मेरे से कराना चाहते हो तो